ओके क्वेश्चन नंबर वन, भारत कैश फ्लो स्टेटमेंट डायरेक्ट मेथड और इसमें कैश फ्लो फ्रॉम ट्रेडिंग एक्ट, उसके फॉर्मेट पे चलते हैं। डायरेक्ट मेथड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? कैश रिसिप्ट फ्रॉम कस्टम। क्वेश्चन चाहते हैं, क्वेश्चन में आपको इनकम स्टेटमेंट गिवन है और ये बैलेंस शीट गिवन है 2 इयर्स। हमें क्या फाइंड करना है? कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर। जब कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर ना तो इनकम स्टेटमेंट में गिवन होगी ना बैलेंस शीट में, ये हमें कैलकुलेट करना होगा। अच्छा, तो कैलकुलेशन क्या होगी इसकी, किस तरह हम कैलकुलेट करेंगे? ये तो इसका आंसर है, फिर इसकी वर्किंग करते हैं तो ये समझ आएगा आंसर कैसे आया। ठीक है, क्या वर्किंग होगी आपके ख्याल? कस्टमर्स कौन होते हैं? कस्टमर्स, कस्टमर कौन होते हैं? जिन्हें सेल करते हैं ना, डेटर भी कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखिए, आपको डेटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया, ठीक है। उसके बाद इनकम स्टेटमेंट पे आए, यहाँ पे आपको सेल्स गिवन है। अब हमें क्या फाइंड करना है? कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, तो क्या करें? रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट बना लें, रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट बना लेते हैं ना। इसके लिए हम बनाएंगे अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट। यहाँ देखिए, आपको डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस गिवन है 9,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 10,100। बैलेंस आ गया 9,000 और क्लोजिंग बैलेंस 10,000। इसके बाद सेल्स है, 50,000 की सेल्स है, ये क्रेडिट हो जाएंगी, डेबिट हो गई, रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। इसके अलावा और भी कई ट्रांजेक्शन आती हैं इसमें, सेल्स रिटर्न, बैड डेट्स, सेट ऑफ, ये पूरा जो कंट्रोल अकाउंट हमने बनाया था। अच्छा, फिलहाल क्वेश्चन में सिर्फ 3 ही वैल्यूज दिए ना, सेल्स और रिसीवेबल का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, और कोई इसमें ट्रांजेक्शन नहीं है। अब ये अकाउंट क्लोज करते हैं। डेबिट का टोटल आ गया 59,000। अब 59,000 में से 10,100 लेस करेंगे तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी और ये होगा हमारा कैश रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर, 48,009। सर, ये कैश रिसीव हम कैलकुलेट करेंगे। ये फर्स्ट हो गया कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर। अब फॉर्मेट पे चलते हैं, इसमें क्या लिखा है? कैश कैश पेड टू सप्लायर। इसके लिए हम बनाएंगे अकाउंट्स पेबल कंट्रोल अकाउंट। अकाउंट्स पेबल कंट्रोल अकाउंट बनेगा और इससे हम कैश पेड टू सप्लायर कैलकुलेट करेंगे। तो सिर्फ पेबल का ओपनिंग बैलेंस कितना है? ये दिया हुआ ट्रेड पेबल्स 5,000 और क्लोजिंग बैलेंस 6,000। ओपनिंग बैलेंस आ गया 5,000 और क्लोजिंग बैलेंस 6,000 आ गया। और क्या है इसमें? परचेजेस एटलीस्ट हमें चाहिए। इनकम स्टेटमेंट में चलते हैं, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, परचेजेस गिवन नहीं है। ठीक है, अब जरा क्लोज इधर बैलेंस शीट पे आते हैं। यहाँ पे इसने हमें स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस 4,000, क्लोजिंग बैलेंस 4,800। तो परचेज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैलकुलेशन से हम परचेज कैलकुलेट कर सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 4,000। ओपनिंग स्टॉक 4,000 एड करेंगे परचेजेस के, फाइंड करनी है हमें, इसमें से माइनस करेंगे आप क्लोजिंग स्टॉक कितना है 4,800। हमारे पास आ जाएंगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसमें इनकम स्टेटमेंट में गिवन है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 30,000। 30,000, राइट। अब क्या करेंगे? अब रिवर्स कैलकुलेशन होगी, तो इसमें हम 30,000 में 4,800 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल 38,400। अब 38,400 में से 4,000 माइनस करेंगे तो परचेजेस आ जाएंगी 30,800। परचेज आ गई, अब इसे हम पोस्ट कर देते हैं कंट्रोल अकाउंट में तो ये पेबल्स अकाउंट में क्रेडिट आ जाएंगी परचेज। अब पेबल अकाउंट क्लोज करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल आ गया 35,800। 35,800 माइनस करते हैं 6,000 तो कैश पे टू सप्लायर आ जाएगा 29,800।
जब ये कैश पे कर रहे हैं तो यहाँ पे हम इसको माइनस में लिखेंगे, कैश रिसीव कर रहे हैं कैश इनफ्लो प्लस में आएगा, कैश आउटफ्लो माइनस। अब फॉर्मेट पे चलते हैं, इसमें क्या दिया हुआ आपको, कैश पेड फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड टू एम्प्लॉयज, एक्सपेंसेस की बात। तो यहाँ देखिए इनकम स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्सपेंस गिवन है आपको 15,000। अच्छा इनकम स्टेटमेंट में जो 15,000 हम चार्ज कर रहे हैं, ये एक्सपेंस पेड होते हैं या एक्सपेंस फॉर द ईयर होते हैं, फॉर द ईयर होते हैं ना, इसमें एक्यूरेट एक्सपेंस भी इंक्लूड हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा तो ये तो है एक्सपेंसेस फॉर द ईयर 15,000, हमें चाहिए एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग द ईयर, अब वो भी हमें कैलकुलेट करना होंगे। तो इसमें देखिए आप यहाँ पर एक्रूअल्स गिवन है आपका, एक्रूअल्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन है और प्री पेमेंट्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन। तो अब हम क्या करेंगे, एक्सपेंस का टी अकाउंट बनाते हैं, जैसे हमने एक्रूअल्स प्री पेमेंट में बनाया था, और उससे हम एक्सपेंस पेड फाइंड कर लें। ये तो इसका आंसर आ जाएगा 14,500। अब के लिए हम बनाएंगे एक्सपेंसेस का टी अकाउंट, पहले ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, एक्रूअल्स का ओपनिंग बैलेंस है 800, प्री पेमेंट्स का ओपनिंग बैलेंस 2,000। ये ओपनिंग बैलेंसेस आ गए 2,000 और 800, के बाद क्लोजिंग बैलेंस, एक्रूअल्स का क्लोजिंग बैलेंस है 1,000, प्री पेमेंट का क्लोजिंग बैलेंस 2,007। के बाद इसमें एक्सपेंस पे करते हैं तो किस साइड पे एंट्री आती है, पेमेंट का एंट्री डेबिट साइड पर आएगी, इसके बाद हम अकाउंट क्लोज करते हैं, बैलेंसिंग फिगर आती है, और वो होते हैं हमारे करंट ईयर के एक्सपेंस जो हम चार्ज करेंगे इनकम स्टेटमेंट में, तो वो कहेंगे इनकम स्टेटमेंट वाली फिगर क्रेडिट पर। अच्छा अब इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस कितने चार्ज हुए, 15,000। अच्छा ये जो 15,000 ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इसमें कौन कौन से एक्सपेंस इंक्लूड हो सकते हैं, ये किन किन एक्सपेंस के सम हो सकता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं, सैलरी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, बिल्स हो गए आपके, ठीक है, और इसमें बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन, ये सब आ जाते हैं। अच्छा इन एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन एक वाहिद एक्सपेंस है जिसकी पेमेंट नहीं होती, इसके अलावा सहारा आपका एक्सेस पे होता है ना, रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस वगैरह। अच्छा तो अगर इस 15,000 में अगर सपोज करें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, तो हम क्या करेंगे, पहले डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड करेंगे, माइनस करेंगे, उसके बाद जो फिगर आएगी वो हम लिखेंगे टी अकाउंट। अब चेक करते हैं कि इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है या नहीं है। यहाँ बैलेंस शीट पर आए, यहाँ दिए हमें टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, ओपनिंग बैलेंस 40,000, क्लोजिंग बैलेंस 39,000, 1,000 का डिक्रीज आ रहा है। तो डिक्रीज आने की क्या रीजन हो सकती है, एक तो एसेट आपके डेप्रिशिएट हो गए, सेकेंड रीजन एसेट आपने डिस्पोज किया, थर्ड रीजन रिवैल्यूएशन पे लॉस, तीन रीजन हो सकती है ना। अच्छा नीचे देखिए नोट पढ़े, यहाँ लिखा हुआ देयर इज नो एक्विजिशन और डिस्पोजल ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, सो डिस्पोजल तो नहीं है। अब क्या रहेगा, डेप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन लॉस। अच्छा रिवैल्यूएशन लॉस होता है तो वो हम इनकम स्टेटमेंट में चार्ज करते हैं ना, या इनकम स्टेटमेंट में रिवैल्यूएशन लॉस चार्ज, इट मींस रिवैल्यूएशन हमने नहीं, रीजन क्या बचे, सिर्फ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना हुआ करंट ईयर का, 1,000। तब हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो हमें गिवन है 15,000, इसमें से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस माइनस करेंगे, ये कैश एक्सपेंस आ जाएंगे 14,000 के, अब ये 14,000 हम पोस्ट कर देंगे टी अकाउंट में क्रेडिट साइड। अब टी अकाउंट क्लोज करेंगे, ये क्रेडिट साइड का टोटल आ गया 17,500, 17,500 में से अब ये 1,000 और 2,000 लेस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आएगी, और ये होंगे हमारे एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग द ईयर, कैश पेड आ गया, ठीक है, कैश पेड फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंस 14,500, ये यहाँ से माइनस हो जाएगा। फॉर्मेट पे चलते हैं जी, उसके बाद क्या है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, चलें इसका सम कर लेते हैं, आ गया हमारे पास कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। इसके बाद क्या लिखा है, इंटरेस्ट पेड, इनकम टैक्स पेड, इनकम स्टेटमेंट पे चलते हैं,
यहाँ देखिए इनकम स्टेटमेंट में लिखा हुआ है इंटरेस्ट पेबल नेल, टैक्सेशन नेल, दोनों नेल है, कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पे हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्वेश्चन वन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर टू, ये भी डायरेक्ट मेथड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट डायरेक्ट बात, ओके। अब इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर आ जाएगा, ठीक है, ओके। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, और इसके लिए हम बनाएंगे अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट। यहाँ देखते हैं आपको रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस, यहाँ डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस है 15,000, क्लोजिंग बैलेंस 12,100 गिवन। ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस आ गया, ठीक। के बाद अब सेल्स कितनी है, सेल्स यहाँ पर है 2,50,000। अकाउंट क्लोज करते हैं, डेबिट साइड का टोटल आ गया 2,65,000। 2,65,000 में से 12,100 लेस करेंगे, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी कैश रिसिप्ट फ्रॉम कस्टम। सेकेंड है अब कैश पेड टू सप्लायर, और इसके लिए हम बनाएंगे अकाउंट्स पेबल कंट्रोल अकाउंट। ट्रेड पेबल्स का ओपनिंग बैलेंस है 25,000, क्लोजिंग बैलेंस 16,000, ओपनिंग बैलेंस 25,000, क्लोजिंग बैलेंस 16,000। परचेजेस, परचेज के लिए हम कैलकुलेशन होगी इसकी, स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस है 9,000 और क्लोजिंग स्टॉक 4,800। वर्किंग करते हैं ओपनिंग स्टॉक, ऐड करेंगे परचेजेस जो कि हमें फाइन करनी है, और उसमें से लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक 4,800। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगी, अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी गिवन है क्वेश्चन में, ये ट्रायल बैलेंस में दी हुई है 1,20,000 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। रिवर्स वर्किंग होगी, अब रिवर्स में हम क्या करेंगे, 120,000 में 4,800 ऐड हो जाएंगे, ये गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाएंगी 1,24,800। इसमें से ओपनिंग स्टॉक माइनस करेंगे, परचेजेस आ जाएंगे हमारे पास 1,15,800 की, और परचेजेस को हम पोस्ट कर देंगे कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट साइड। कंट्रोल अकाउंट क्लोज करते हैं, क्रेडिट साइड का टोटल आ गया 1,40,800। अब 1,40,800 में से 16,000 लेस करेंगे, कैश पेड टू सप्लायर आ जाएगा 1,24,800, राइट। और ट्रायल वाले वहां कैश फ्लो में लिख लेते हैं, कैश पेड टू सप्लायर 1,24,800। अब इसके बाद आ जाएगा कैश पेड फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब इसके लिए हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस का टी अकाउंट बनाएंगे, पहले ओपनिंग क्लोज एंड बैलेंस लिखते हैं, ओके। एक्रूअल्स का ओपनिंग बैलेंस है 2,800, प्री पेमेंट्स का ओपनिंग बैलेंस 7,000, बैलेंसेस आ गए। एक्रूअल्स का क्लोजिंग बैलेंस है 1,900, प्री पेमेंट्स का क्लोजिंग बैलेंस है 6,700, क्लोजिंग बैलेंस आ गए। इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस कितने चार्ज हुए, तो हमने चार्ज किए 60,000। अब इसमें वही नॉन कैश एक्सपेंस मतलब डेप्रिसिएशन इंक्लूड हो सकता है, चेक करते हैं। यहाँ देखिए बैलेंस शीट में आपको दो एसेट्स दिए हैं, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स और इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। अब टेंजिबल का ओपनिंग बैलेंस है 150,000, क्लोजिंग बैलेंस 145, तो 5,000 हो गया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। इसकी भी अब वर्किंग होगी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 60,000, माइनस करेंगे 5,000 डेप्रिसिएशन। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, ओपनिंग बैलेंस है 50,000, क्लोजिंग बैलेंस 45,500, तो 4,500 का डिक्रीज आ रहा है, 4,500 का डिक्रीज है, और ये होगा अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस होगा 4,500, ये भी माइनस होगा। देखिए टेंजिबल एसेट्स डेप्रिशिएट होते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स अमोर्टाइज होते हैं, दोनों नॉन कैश एक्सपेंस होंगे।
माइनस करते हैं तो ये कैश एक्सपेंस आ गए 50,500, और 50,500 हम पोस्ट कर देंगे क्रेडिट साइड पर। क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, टोटल आ गया 60,000। 60,000 में से 1,900 और 7,000 लेस करेंगे तो ये कैश पेड फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाएगा 51,100, और ये हम कैश फ्लो से माइनस कर। अच्छा, इसके बाद इन तीनों का सम करते हैं, आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। अब इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मेट पे चलते हैं, कंप्लीट नहीं हुआ। अच्छा, अब इसमें हाँ फॉर्मेट पे यहाँ लिखा हुआ इंटरेस्ट पेड, इनकम टैक्स पेड, इसमें दोनों क्या बने? देखिए, इनकम स्टेटमेंट में इंटरेस्ट पेबल है 10,000 और टैक्सेशन 15,000। तो यहाँ पे एक चीज और, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट से हम इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो फॉर द ईयर माइनस करते हैं, चाहे वो पेड हो या अनपेड। इसी तरह टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर माइनस होते हैं, चाहे वो पेड हो या अनपेड हो। और जबकि कैश फ्लो हम क्या लेते हैं, इंटरेस्ट पेड टैक्स पेड। तो हमें ये चेक करना है कि इंटरेस्ट पेबल और टैक्स पेबल का कोई बैलेंस गिवन है या नहीं। यहाँ देखिए, बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर टैक्स यानी कि टैक्स पेबल दिया हुआ है क्लोजिंग, और इंटरेस्ट पेबल का भी ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है। तो इट मींस इंटरेस्ट पेड और टैक्स पेड अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इसके लिए हम बनाएंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस और टैक्स एक्सपेंस का टीआर, दोनों के अकाउंट बनेंगे। पहले इंटरेस्ट का अकाउंट बनाते हैं, इंटरेस्ट का ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट पेबल का ओपनिंग बैलेंस 3,000, क्लोजिंग बैलेंस 5,500 बैलेंस आ गया, और ये क्लोथिंग बैलेंस। अब इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस कितने चार्ज हुए, इंटरेस्ट एक्सपेंस चार्ज हो रहे हैं 10,000 के, तो ये टी अकाउंट में आएंगे क्रेडिट साइड पर। अब ये अकाउंट क्लोज करते हैं, क्रेडिट साइड का टोटल आ गया 13,000। 13,000 में से 5,500 लेस करेंगे तो कैश पेड आ जाएगा 7,500 इंटरेस्ट पेड। हम 7,500 कैश फ्लो से माइनस कर, ठीक है। इसके बाद टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड की वर्किंग करते हैं। इसके लिए इनकम टैक्स का टी अकाउंट बनेगा, टैक्स एक्सपेंस। यहाँ प्रोविजन फॉर टैक्स ओपन बैलेंस है 9,000, क्लोजिंग बैलेंस 12,000। ओपन बैलेंस आ गया 9,000, क्लोजिंग बैलेंस 12,000। इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस कितने चार्ज हुए, एक्सपेंस चार्ज हो रहे हैं ऑपरेटिंग इनकम टैक्स 15,000 है, टैक्सेशन ये 15,000 आ गए। टैक्स अकाउंट क्लोज करते हैं, अब ये इसका टोटल आ गया क्रेडिट साइड का 24,000। 24,000 में से 12,000 लेस करेंगे तो कैश पेड आ जाएगा 12,000 इनकम टैक्स पेड। अब 12,000 हम कैश फ्लो से माइनस कर देंगे और ये हमारे पास आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज खत्म कंप्लीट। ये दोनों में इंटरेस्ट में भी और टैक्स में भी दोनों में। क्वेश्चन नंबर 1 दोबारा सॉल्व करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड्स। अच्छा, अच्छा जी, इसका फॉर्मेट देखते हैं। ऑपरेटिंग इनडायरेक्ट मेथड, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सबसे पहले क्या लेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट करेंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना दिया है, 5,000 है, ये देख लेते हैं। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स फॉर टैक्स
डाल देते हैं। अब इसमें एडजस्टमेंट होंगे किसकी, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन चार्जेस। क्वेश्चन नंबर वन में डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स बैलेंस 40,000, क्लोजिंग बैलेंस 39,000, तो 5,000 हो जाएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ऐड कर लेते हैं, जिसमें इंटेंजिबल एसेट नहीं है तो एमोर्टाइजेशन नहीं आएगा। नेक्स्ट बात है इंटरेस्ट एक्सपेंस फाइनेंस कॉस्ट। क्वेश्चन वन में इंटरेस्ट एक्सपेंस बिल था ना, या इंटरेस्ट पेबल ले ले, नहीं आएगा। के बाद लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करेंट एसेट, उसमें डिस्पोजल भी नहीं था। नोट यहाँ लिखा होता है ना, देर इज नो एक्विजिशन और डिस्पोजल ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। लॉस ऑन गेन, लॉस गेन ऑन डिस्पोजल भी नहीं आएगा। के बाद है इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये भी नहीं है। ठीक, यहाँ इसका सम कर लेते, ये आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो वर्किंग कैपिटल क्या होती है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज के डिफरेंस को कहते हैं वर्किंग कैपिटल। तो अब इसमें अगर हम देते हैं करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज, इसके बाद क्या इंक्रीज डिक्रीज इन रिसीवेबल। तो इंक्रीज ब्रैकेट में मींस माइनस करेंगे और डिक्रीज या तो प्लस करेंगे। अब रिसीवेबल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो लेस करेंगे, डिक्रीज हो रहे हैं तो माइनस। रिसीवेबल में क्या चेंज आ रहा है, डेटर्स ओपनिंग बैलेंस 9,000, क्लोजिंग बैलेंस 9,100, रिसीवेबल इंक्रीज हो रहे हैं और लेस करेंगे, डिफरेंस कितना आ रहा है 1,100 का डिफरेंस है, माइनस हो जाए। रिसीवेबल्स के बाद इंक्रीज डिक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज लेस कर रहे हैं डिक्रीज ऐड हो रहे हैं। इन्वेंट्री में क्या चेंज आ रहा है, स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस 4,000, क्लोजिंग बैलेंस 4,800, 800 का इंक्रीज है, माइनस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट इंक्रीज डिक्रीज इन प्रीपेमेंट, प्रीपेमेंट्स का ओपनिंग बैलेंस 2,000, क्लोजिंग बैलेंस 2,700, 700 का इंक्रीज आ रहा है, लेस कर देंगे। इसके बाद इंक्रीज डिक्रीज इन पेबल्स, इसमें रूल चेंज है, इंक्रीज हो रहे हैं तो ऐड करना है, डिक्रीज है तो लेस करेंगे। पेबल्स में क्या चेंज आ रहा है, ओपनिंग बैलेंस 5,000, क्लोजिंग 6,000, पेबल्स इंक्रीज हो रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, 1,000 ऐड हो गए। पेबल्स के बाद ये इंक्रीज डिक्रीज इन एक्रूवल्स, एक्रूवल्स में क्या चेंज आ रहा है, एक्रूवल्स में ओपनिंग 800, क्लोजिंग बैलेंस 1,000, 2,000 का इंक्रीज है, ऐड कर लें। इसके बाद आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, और इसके बाद क्या है इंटरेस्ट पेड माइनस करेंगे, टैक्स पेड माइनस करेंगे। तो क्वेश्चन वन में इंटरेस्ट पेड टैक्स पेड दोनों मिलेंगे, दोनों नील थे ना, देखें इंटरेस्ट और टैक्स दोनों नील है, यहीं पे ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कंप्लीट। आज इसमें आंसर देखें दोनों का सेम आ रहा है, यही आंसर डायरेक्ट मेथड में था, यही आंसर इनडायरेक्ट मेथड 4,600। क्वेश्चन नंबर टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इनडायरेक्ट मेथड, सबसे पहले हम लेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 6,000, 60,000। जब एडजस्टमेंट फॉर, इसमें ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन ना। अब देखें टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस है 1,50,000, क्लोजिंग बैलेंस 1,45,000, तो 5,000 डेप्रिसिएशन हुआ, डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे।
बाद इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स ओपनिंग बैलेंस 50,000, क्लोजिंग बैलेंस 45,500, 4,500 एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस ऐड कर लेंगे। इसके बाद क्या है, लॉस गेन ऑन डिस्पोजल, तो डिस्पोजल इसमें नहीं है, लॉस गेन ऑन डिस्पोजल ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ये भी नहीं है इसमें क्वेश्चन टू में। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाएगा। इंटरेस्ट, हाँ ये इंटरेस्ट एग्जाम में होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा ना, इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है क्वेश्चन टू। इंटरेस्ट टेबल 10,000 ऐड करेंगे और इसके बाद ये आ जाएगा कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस नोट करते हैं, तो पहले देखें रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स में क्या चेंज आ रहा है। ओपनिंग बैलेंस है 15,000, क्लोजिंग बैलेंस 12,100, रिसीवेबल डिक्रीज हो रहे हैं ठीक, तो ऐड कर देंगे 2,900। इन्वेंट्री स्टॉक ओपनिंग बैलेंस 9,000, क्लोजिंग बैलेंस 4,800, स्टॉक डिक्रीज हो रहा है ये भी ऐड होगा। इसके बाद प्री पेमेंट्स का ओपनिंग है 7,000, क्लोजिंग 6,700, डिक्रीज ये भी ऐड हो जाएगा, डिक्रीज इन करंट एसेट ऐड हो। करंट लायबिलिटीज ट्रेड पेबल्स का ओपनिंग बैलेंस 25,000, क्लोजिंग बैलेंस 16,000, 9,000 का डिक्रीज ये माइनस होगा। एक्रूअल्स, एक्रूअल्स का ओपनिंग है 2,800, क्लोजिंग बैलेंस 1,900, डिक्रीज हो रहे हैं माइनस करेंगे ठीक है। और ये आ जाएगा हमारे पास कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन ठीक। इसके बाद तो बात क्या, इंटरेस्ट पेड और टैक्स पेड लेस करेंगे। अच्छा तो इंटरेस्ट पेड टैक्स पेड हमने क्वेश्चन वन में कैलकुलेट कर लिया, अब वही आंसर माइनस कर देते हैं। इंटरेस्ट पेड कितना था क्वेश्चन वन में देख के बता दें, इंटरेस्ट पेड क्वेश्चन टू, हाँ क्वेश्चन टू डायरेक्ट मेथड से हमने किया था, उसमें इंटरेस्ट का टी अकाउंट बनाया था उसको देख, 7,500 इंटरेस्ट पेड और टैक्स पेड 12,500, 12,000 माइनस नहीं कर रहे हैं ना, पेमेंट है कैश आउटफ्लो माइनस ठीक। और इसका सम कर लेते तो आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 57,000, सेम आंसर जी। क्वेश्चन थ्री, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ठीक है। अच्छा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड दोनों में सेम, तो देख लेते हैं इसका फॉर्मेट क्या है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, इसमें हम बात करेंगे सेल परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट, देखिए क्या लिखा, पेमेंट टू एक्वायर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पेमेंट टू एक्वायर इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट, रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स, रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड डिविडेंड रिसीव्ड, ये आखिर में आ गए। तो हम देखें क्या कैलकुलेट करना है, सेल परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स इन शॉर्ट। क्वेश्चन नंबर थ्री, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, जिसमें तीन एसेट दी आपको, लैंड बिल्डिंग मशीनरी और ये कुछ नोट लिया मैं नीचे। फिर बिल्डिंग कॉस्ट 3 मिलियन, नेट बुक वैल्यू 18 लाख, वाज सोल्ड फॉर 5 मिलियन। अच्छा ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्ट 225 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 10 लाख, वाज सोल्ड फॉर 15 लाख, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ मशीनरी वाज 15 लाख, देयर इज नो डिस्पोजल ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर, लैंड हैज बीन रिवैल्यूड बाय 5 लाख एट द एंड ऑफ ईयर ठीक। के वन बाय वन चलते हैं लैंड से बात स्टार्ट कर। लैंड का ओपनिंग बैलेंस है 4,000, क्लोजिंग बैलेंस 6,000, 2,000 का इंक्रीज आ रहा है,
अच्छा, इंक्रीज आने के रीजन क्या हो सकती है? एक हमने रिवैल्यू किया लैंड को, और सेकंड एडिशन लैंड परचेज, ठीक। तब दो रीजन होती हैं। अब यहाँ पे जो इंक्रीज आ रहा है किस वजह से आ रहा है, तो यहाँ देखें नोट नंबर 5 में एक पॉइंट तो उसने बता दिया है, लैंड हैज बीन रिवैल्यूड अपवर्ड बाय 5 लाख एट द एंड ऑफ द ईयर। टोटल इंक्रीज कितना है यहाँ पर? 2000 का। इसमें से 500 का इंक्रीज तो आ रहा है रिवैल्यूएशन की वजह से, और बाकी 1500 न्यू खरीदी लैंड हमने, ठीक है। तो ये तो हमने डायरेक्ट कैलकुलेट किया। अच्छा, बाकी डिस्पोजल है, पॉइंट 4 में कह रहे हैं देयर इज नो डिस्पोजल ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, ये तो सिंपल था, डायरेक्ट हमने सॉल्व कर दिया। इसका टी अकाउंट भी बना लेते हैं, पेमेंट टू एक्वायर लैंड 1500, उसको टी अकाउंट बनाकर भी सॉल्व करते हैं। तो लैंड का ओपनिंग बैलेंस है 4000, क्लोजिंग बैलेंस 6000। ओपनिंग बैलेंस आ गया डेबिट, क्लोजिंग बैलेंस एक्स्ट्रा आ गया पीडी बैलेंस। और पॉइंट नंबर 5, लैंड को हमने रिवैल्यू किया है 500 से, तो ये डेबिट हो जाएगा 500। डिस्पोजल मेल है, ठीक है, अकाउंट क्लोज करते हैं। तो अब देखें क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है 6000, 6000 इसमें से ये 4000 और 500 माइनस कर दें तो बैलेंसिंग फिगर आएगी आपके पास 1500, और ये हो जाएगा एडिशन पेमेंट टू एक्वायर लैंड, राइट। तो 1500 के लैंड हमने एक्वायर की, बाकी डिस्पोजल उसने बता दिया था नहीं है ना, लैंड डिस्पोज नहीं हो रहा। सेकेंड एसेट है बिल्डिंग, बिल्डिंग की कॉस्ट है 9000, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस 14000, 5000 का इंक्रीज आ रहा है। तो रीजन वही होंगी, परचेज ऑफ लैंड या रिवैल्यूएशन, बिल्डिंग या रिवैल्यूएशन ना। नोट पढ़ते हैं, नोट 1, ड्यूरिंग द ईयर बिल्डिंग कॉस्ट 30 लाख, बुक वैल्यू 18 लाख, सोल्ड फॉर 50 लाख, मशीनरी ठीक। एक ही पॉइंट दिया हुआ, डिस्पोजल का बताना है, ठीक है। डिस्पोज हमने किए लैंड कितने में? 50 लाख में सेल कर रहे हैं, ठीक है, 5000 लेंगे हम। ये तो हमारा कैश इनफ्लो हो गया। एक चीज पता चल गई कि हमने 50 लाख में लैंड बिल्डिंग सेल की। यहाँ हम लिख लेंगे पेमेंट, तो पेमेंट पहले, ये रिसिप्ट बाद में आ जाएगी ना, ठीक है। पहले हम पेमेंट, रिसिप्ट हमें बता दी, हम इसकी पेमेंट कैलकुलेट करते हैं, लैंड हमने कितने की एक्वायर की है ना। इसके लिए अब हम लैंड का बिल्डिंग का टी अकाउंट बनाएंगे, बिल्डिंग क्या ना, बिल्डिंग कॉस्ट का ओपनिंग बैलेंस 9000, क्लोजिंग बैलेंस 14000, ये ओपनिंग बैलेंस आ गया, क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा, अब हमने बिल्डिंग को डिस्पोज किया है, तो डिस्पोजल 30 लाख कॉस्ट है, 18 लाख बुक वैल्यू, 50 लाख सेल प्रोसीड है। बिल्डिंग अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा? डिस्पोजल हम बना रहे हैं बिल्डिंग का कॉस्ट अकाउंट, कॉस्ट कितनी है बिल्डिंग की? 30 लाख, 30 लाख यानी कि 3000 से बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, बाकी रिवैल्यूएशन कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब बिल्डिंग अकाउंट क्लोज करते हैं, क्रेडिट साइड के टोटल आ गया 17000, 17000 माइनस करते हैं 9000, बैलेंसिंग फिगर आएगी 8000, ठीक। ये हो गया एडिशन या पेमेंट टू एक्वायर बिल्डिंग, 8000 आ गए माइनस में। और ये बिल्डिंग हमने डिस्पोज कितने में की? 5000 में सेल कर रहे हैं, 5000 ऐड हो जाएगा। हमने एडिशन कैलकुलेट कर लिया, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, पेमेंट टू एक्वायर बिल्डिंग 8000, और ये हमें यहाँ से डिस्पोजल बता दिया है। लैंड हमने डिस्पोज कितने में की? 50 लाख में, तो यहाँ लिख लेंगे 5000 रिसीव फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ बिल्डिंग। थर्ड एसेट है मशीनरी। अच्छा, इसमें एक चेंज, आप यहाँ देखिए मशीनरी की हमें नेट बुक वैल्यू गिवन है 7000 ओपनिंग बैलेंस, 8500 का क्लोजिंग बैलेंस, जबकि लैंड में हमें उसने कॉस्ट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया था, तो यहाँ नेट बुक वैल्यू का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रहा है। जिसके बाद नीचे नोट नंबर 2 में लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्ट 25 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 10 लाख, वाज सोल्ड फॉर 15 लाख, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ मशीनरी वॉज 15 लाख। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन है। अब हमें डिस्पोजल इसमें बता दिए, तो हमें एक्विजिशन मालूम करना है ना, पेमेंट टू एक्वायर मशीनरी। तब हम बनाएंगे एक मशीनरी का टी अकाउंट, इसमें देखिए बनेगा इसका नेट बुक वैल्यू अकाउंट बनेगा,
इससे पहले हमने नेटवर्क वाली अकाउंट नहीं बनाया, हमने कॉस्ट अकाउंट अलग बनाया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग बनाया ना, ठीक है। अगर हम देखें कॉस्ट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को मर्ज कर लें, कंबाइन कर लें, तो वो बन जाता है नेट बुक वैल्यू अकाउंट, ठीक है। काम पहले हम करते हैं, ये जो बिल्डिंग का कॉस्ट अकाउंट है और इसका हमने अभी बनाया है कॉस्ट अकाउंट, अब हम बिल्डिंग का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं और फिर इन दोनों अकाउंट्स को करते हैं मर्ज, तो हमारे पास नेट बुक वैल्यू अकाउंट आ जाएगा, उसका एक फॉर्मेट आ जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर उसे हम अप्लाई कर देंगे मशीनरी अकाउंट पे जो हमारी एक्चुअल रिक्वायरमेंट। अच्छा, मशीनरी का हमने बिल्डिंग का कॉस्ट अकाउंट हम बना चुके हैं, अब हम इसका बनाते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बिल्डिंग का। तो देखिए इसका बिल्डिंग का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ओपनिंग बैलेंस 3000, क्लोजिंग 4500, बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस के बाद डिस्पोजल की एंट्री आएगी। देखिए बिल्डिंग जो हमने डिस्पोज की थी इसकी नेट बुक वैल्यू थी 18 लाख, कॉस्ट है 30 लाख, तो इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना होगा, 30 लाख माइनस 18 लाख, 12 लाख। 12 लाख यहाँ अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। अच्छा, और इसमें क्या आता है ओपनिंग क्लोजिंग डिस्पोजल के अलावा, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में करेंट ईयर डेप्रिसिएशन भी आता है ना, करंट ईयर डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अच्छा, अब वो हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करके फाइन कर लेते हैं क्योंकि करंट ईयर का डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है, तो हम अकाउंट क्लोज करते हैं, डेबिट साइड का टोटल आ गया 5700, 5700 से 3000 लेस करते हैं तो 2700 आ जाएगा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, कॉस्ट अकाउंट और नेट बुक अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मर्ज करते हैं तो नेट बुक वैल्यू अकाउंट बन जाएगा। देखिए कॉस्ट का ओपनिंग बैलेंस कितना है 9000, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस 3000, तो बुक वैल्यू का ओपनिंग बैलेंस कितना होगा 9000, 6000 है। कॉस्ट 9000, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 3000, तो बुक वैल्यू 6000। अच्छा, कॉस्ट का क्लोजिंग बैलेंस कितना है 14000, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस 4500, तो बुक वैल्यू का क्लोजिंग बैलेंस आएगा 9500, ये क्लोजिंग बैलेंस आएगा। अच्छा, बाकी ट्रांजेक्शन पोस्ट करते हैं, तब यहाँ देखें बिल्डिंग अकाउंट में हमने डिस्पोजल क्रेडिट किया 3000 से जो उसकी कॉस्ट है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट हो रहा है 1200 से, का नेट बुक वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी 1800, तब यहाँ 1800 से हम इसको बुक वैल्यू अकाउंट को क्रेडिट करें, डिस्पोजल की भी इसमें नेट बुक वैल्यू आएगी। अच्छा, बाकी एंट्रीज पोस्ट करते हैं, सब रिवैल्यूएशन जिसमें फिलहाल 0 दिया हुआ वैल्यू, लेकिन अगर वैल्यू होगी तो एज इट इज आएगी, कि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन में रिवैल्यूएशन की कोई एंट्री नहीं है एज इट इज। इसके बाद करंट ईयर का डेप्रिसिएशन 2700 एज इट इज आएगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। अच्छा, और ये एडिशन ये भी एज इट इज आएगा, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं। लाइन ड्रॉ कर दूं, और इसके बाद दोनों साइड का टोटल कर लेंगे, ये हमारा नेट बुक वैल्यू अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये बन गया नेट बुक वैल्यू अकाउंट। इसमें सिर्फ क्या है, चेंज क्या है, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस और डिस्पोजल, इसमें हमने सिर्फ नेट बुक वैल्यू ली है, बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज आ रही, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास एक फॉर्मेट आ गया, अब इस फॉर्मेट को अप्लाई करते हैं मशीनरी अकाउंट पे जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, हम बनाएंगे मशीनरी का नेट बुक वैल्यू। मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस कितना है 7000, क्लोजिंग बैलेंस 8500, ये तो सिर्फ समझाने के लिए बताता है फॉर्मेट बुक वैल्यू अकाउंट बनता कैसे, अब तब क्लियर हो गया, अब अप्लाई करेंगे जी क्या सब कुछ आएगा। अब ये ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हो गए, अब ये डियर पॉइंट टू ड्यूरिंग देयर मशीन कॉस्टिंग 25 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 10 लाख, सोल्ड फॉर 15 लाख, इसकी बुक वैल्यू क्या होगी मशीन की 15 लाख,
15 लाख, तो 15 लाख से ये 1500 क्रेडिट हो गया डिस्पोजल एडिट के बाद। पॉइंट नंबर थ्री, करंट ईयर डेप्रिसिएशन है 15 लाख, आ जाएगा क्रेडिट साइड पर, बाकी रिवैल्यूएशन तो कुछ नहीं है। डेप्रिसिएशन अकाउंट्स क्लोज करते हैं, ये क्रेडिट साइड का टोटल आ गया 11,500। 11,500 से 7,000 माइनस करेंगे तो एडिशन आ जाएगा 4,500। अभी हम कैश फ्लो में लिख लेंगे, ये आ गया हमारे पास पेमेंट टू एक्वायर मशीनरी 4,500, और मशीन हमने डिस्पोज कितने में की, नोट नंबर टू, सोल्ड कितने में हो रही, 15 लाख में, तो यहाँ आ जाएगा 1,500। इसके साथ ये कंप्लीट हुआ, इसका सम कर लेते हैं और ये आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। तो इसमें सिर्फ दो ही चीजें फाइंड करना होती हैं, सेल परचेज ऑफ नॉन करेंट एसेट।